बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा और जब इस टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन का खेल होगा तब पूरी दुनिया की नजरें पर्थ से बहुत दूर सऊदी अरब के शहर जेदा पर टिकी होंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बीसीसीआई ऐसा चाहता है और इसी बात ने कई पूर्व क्रिकेटर्स को गुस्सा दिला दिया है। गुस्सा करने वालों में ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी शामिल हैं। पॉन्टिंग ने तो इसे सबसे खराब संभावित स्थिति करार दिया है। दरअसल ऑक्शन की टाइमिंग के चलते पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर जैसे ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के साथ टीम की बॉलिंग कोच डेनियल विटोरी को भी पर्थ टेस्ट बीच में छोड़ जेदा जाना पड़ेगा। पॉन्टिंग और लैंगर तो चैनल 7 की कॉमेंट्री टीम में भी शामिल हैं। ये लोग पर्थ टेस्ट में बस पहले दिन ही कॉमेंट्री कर पाएंगे। आईपीएल में पॉन्टिंग पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं, लैंगर के पास लखनऊ सुपर जॉइंट्स की कोचिंग है, जबकि विटोरी सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इस बारे में पॉन्टिंग ने कहा, ये मेरे और जस्टिन लैंगर के लिए सबसे खराब संभावित स्थिति है। बीते कई महीनों से हम सोच रहे थे कि ये शायद टेस्ट मैचेस के बीच के गैप के दौरान होगा। इससे दोनों टीम्स के कई प्लेयर्स पर से प्रेशर कम हो जाता, दोनों टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स ऑक्शन में रहेंगे, इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि ये उसी गैप में होगा क्योंकि ये सभी के लिए बेहतर दिख रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ये तारीखें क्यों चुनी, शायद इसका गेम से कुछ लेना देना होगा। ऑक्शन दिन का खेल खत्म होने के लगभग तुरंत बाद ही होगा, शायद ये ब्रॉडकास्ट से जुड़ा कोई मसला हो। पहले दिन कमेंट्री करने के बाद मैं फ्राइडे लेट नाइट जेदा के लिए निकलूंगा। ऑक्शन 24 और 25 तारीख को है और फिर जैसा हमारा ऑक्शन जाएगा उसी हिसाब से देखते हैं कि मैं कब वापस लौट पाता हूँ। उम्मीद है कि मैं पर्थ टेस्ट के ख़त्म होने तक वापस लौट आऊँगा, नहीं तो एडिलेड टेस्ट की शुरुआत तक तो पक्का। माइकल वॉन भी बीसीसीआई के इस फैसले से खफा दिखे। उन्होंने कोर्ट स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि उन लोगों ने पहले टेस्ट के बीच में आईपीएल ऑक्शन रख दिया। मेरे हिसाब से ये बकवास है। पहले और दूसरे टेस्ट के बीच हमारे पास 9 दिन का गैप था, फिर ये इसी बीच में क्यों रख रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि प्लेयर्स एक टेस्ट मैच खेलते हुए कितने प्रेशर में होते हैं। बता दें कि 31 अक्टूबर को फ्रेंचाइज ने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी की थी और अब ये ऑक्शन में टीम बनाने की तैयारी कर रही हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ने पूरे 6 प्लेयर्स रिटेन किए थे। ये दोनों ही फ्रेंचाइज ऑक्शन में बिना किसी राइट टू मैच कार्ड की जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवा लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है, कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पर चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में, लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।